हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम्स इन्फो में आपका स्वागत है। यूपीएचईएसई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में मैं आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से रिलेटेड नई जानकारी के लिए, हर नई जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये विवाद क्या है, इसके बारे में हम पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ये विवाद है, उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त विद्यालयों में, महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत बीएड विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अहर्ता का विवाद है, जो कि सुप्रीम कोर्ट चला गया था। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के 93 पदों पर भर्ती की अहर्ता को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। तो पिछले दिनों हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईटी के निर्धारित योग्यता के आधार पर ही भर्ती कराई जाएगी। पूर्व में लिए गए आवेदन रद्द करते हुए अभ्यर्थियों की फीस वापस हो और नए सिरे से आवेदन लिए जाए, यह मसला था। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया था। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग आयोग सूत्रों की माने तो यह भर्ती विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से निर्धारित मानकों पर हो रही थी। तो मेरे पास एक ये छोटी सी न्यूज़पेपर की कटिंग है, इस पे इसमें क्या जानकारी है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये कटिंग बहुत छोटी सी है, इसको अच्छे से पढ़ने में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बोल कर आपको बता रही हूँ। इसमें है कि पुराने विज्ञापनों में नए पद शामिल करने का मुद्दा है वो उठा। तो ये क्या है इसे हम देख लेते हैं। इसमें ये बता रखा है कि साल भर से भर्तियां ठप, शिक्षकों के हजारों नए पद खाली हैं, उसके बारे में है। जो इसमें है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के इंतजार में साल भर से भर्तियां ठप पड़ी थी और इस दौरान हुई सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षकों ने हजारों नए पद खाली हुए हैं। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि पुराने विज्ञापनों में नए पदों को शामिल किया जाए ताकि पूर्व में भर्तियों के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़े। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में साल भर से भर्ती अटकी हुई है। इस बीच अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में पद खाली हुए हैं, ऐसे में कई गुना पद खाली हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती साल भर से अटकी हुई है, ऐसे में पदों को भी पुराने विज्ञापनों में शामिल किया जाना चाहिए। महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भर्ती के लिए साल भर पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह भर्ती भी नए आयोग के गठन के इंतजार में फंसी हुई है। इस साल जून में महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिटायर होने पर सैकड़ों पद खाली हुए हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि नए पदों को पुराने विज्ञापन में शामिल किया जाए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि साल भर से भर्तियां ठप पड़ी हुई हैं, ऐसे में नए रिक्त पदों को भी पुराने विज्ञापनों में शामिल किया जाना चाहिए या आयोग का गठन होते ही जब पुराने विज्ञापनों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो उसी के साथ नए पदों के विज्ञापन भी जारी कर दिए जाएं, ताकि अभ्यर्थियों को अगली भर्ती के लिए इंतजार ना करना पड़े। आयोग का गठन होते ही इस मुद्दे पर आंदोलन किया जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी। ऐसे ही यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो या जानकारी मैं इससे रिलेटेड अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।